Hi everyone, welcome back to my channel. So today we'll be learning how to tune the guitar using a mobile phone. Okay, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गिटार ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है गिटार ट्यूना करके कुछ नाम है एंड वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Okay, so first thing you need to know when you're tuning your guitar is obviously the string's name. So we have total 6 strings. So now you know that there are 6 strings, okay? So जो सबसे पहली string है, मतलब जो 6 string है, this is the 6th string, इसका नाम है E, okay? It's called E naught. Okay, and this is how it sounds. Okay, next is A. D. G, B, and E. Okay, so this is E, A, D, G, B, E. और दोनों जो हमारी ऊपर वाली स्ट्रिंग है, सिक्स स्ट्रिंग भी और फर्स्ट स्ट्रिंग, दोनों की दोनों E हैं. पर फ़र्क क्या है उनकी पिच में. जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसकी पिच बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब तीखी है. This is also E, but it is high pitch E. और दूसरा हमारा जो E है वो यही है, ये सिक्स स्ट्रिंग है. This is low E, low pitch E. Okay, now that you know the name of the strings, these are called open strings. क्योंकि अभी हम यहाँ पे कुछ प्ले नहीं कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से, या अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप राइट हैंड से कुछ प्ले नहीं कर रहे हो अभी फ्रेटबोर्ड पे, तो इसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रिंग्स. तो हमें ओपन स्ट्रिंग्स के नाम पता चल गए, ई ए डी जी बी ई. अब हम इन्हें करेंगे ट्यून. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्यूनिंग. ओके, सो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी ये तीन स्ट्रिंग्स हैं, सिक्स्थ, फिफ्थ एंड फोर्थ, ये तीनों जाके वाइंड अप होती हैं यहाँ पे ऐसे करके इस डायरेक्शन में, विच इज़ एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम माई साइड. तो जब अपना गिटार लेके बैठोगे, आपको चेक करना है, तो वो आपको देखोगे तो ये इस तरह से वाइंड अप होती हैं एंटी क्लॉक वाइज. और जो नीचे वाली तीन स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो इस डायरेक्शन में रोटेट होती हैं, तो मेरी साइड से वो हुआ क्लॉक वाइज. ओके, सो ये तीनों स्ट्रिंग्स आती हैं एंटी क्लॉक वाइज ट्यून अप करने के लिए. ट्यून अप करने के लिए आपको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे. ओके, और अगर आप ऐसे करोगे तो इसका मतलब ये ट्यून डाउन हो रहा है. तो अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे एंटी क्लॉक वाइज तो ट्यून अप हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में घुमाओगे एंटी यानी कि क्लॉक वाइज तो ये ट्यून डाउन हो रहा है. सो दिस इज ट्यून अप, ट्यून डाउन, ट्यून अप, ट्यून डाउन. आई होप सो स्ट्रिंग ना टूट जाए. ओके, सो दिस इज हाउ यू गोना ट्यून अप एंड डाउन दीज थ्री स्ट्रिंग्स. ओके, नाउ दीज थ्री स्ट्रिंग्स, जब आपको इसको ट्यून अप या ट्यून डाउन करना है तो आपको क्या करना है, ये है हमारा ट्यून अप इस डायरेक्शन में, और ये है ट्यून डाउन. ट्यून अप, ट्यून डाउन, ट्यून अप, ट्यून डाउन. सो नाउ यू नो हाउ टू ट्यून अप एंड ट्यून डाउन. सो इसको एक बार ऐप के साथ देखते हैं. ओके, सो हम ई स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, सिक्स स्ट्रिंग से. माइनस में आ रहा है, माइनस में मतलब क्या कि टू लो है, तो हम इसे करेंगे ट्यून अप, मीन्स रोटेट एंटी क्लॉक वाइज. रोटेट योर ट्यूनर एंटी क्लॉक वाइज. तो ये हो गया ट्यून. अब मान लो अगर आपकी ई स्ट्रिंग सिक्स स्ट्रिंग प्लस सिक्स दिखा रहा है, जैसे इसमें मतलब हाई होता, टू हाई होता, तो आप क्या करते हैं उसे लो लेके आते, नीचे लेके आते, दैट इज ट्यून डाउन. मीन्स आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट करोगे. अब ए स्ट्रिंग करते हैं, माइनस में आ रहा है, मीन्स ट्यून अप. डी कर रहे हैं, डी में भी माइनस में है, मीन्स ट्यून अप, मतलब टू लो है स्ट्रिंग, तो हमें उसे ट्यून पे करने के लिए ट्यून अप करना पड़ेगा. नाउ जी इज ऑल्सो टू लो, सो हम क्या करेंगे, ट्यून अप, ट्यून अप, यस, माइनस टू हो गया ट्यून. बी इज ऑल्सो टू लो, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ट्यून अप, ट्यून अप. इज इन ट्यून, तो उसको हमें ट्यून करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब मान लो जैसे जी स्ट्रिंग, अगर जी स्ट्रिंग में जैसे मैं प्ले कर रही हूँ, प्लस थ्री आ रहा है, टू हाई है, तो हम क्या करेंगे, ट्यून डाउन, राइट.
अब डी में भी क्या आ रहा है, प्लस फाइव, यानी कि तो हम क्या करेंगे, ट्यून डाउन. यस, नाउ इट्स राइट. सो बेसिकली क्या है कि अगर माइनस में साइन आता है तो आपको क्या करना है, ट्यून अप, और पॉजिटिव साइन आता है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ट्यून डाउन. पॉजिटिव का मतलब है टू हाई है स्ट्रिंग, और नेगेटिव का मतलब है टू लो है. ओके, सो नाउ यू नो हाउ टू ट्यून योर गिटार. ओके, सो लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. ओके, बाय बाय.